राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज तो यार रात में नींद आती नहीं, सवेरे सवेरे सो जाता हूँ लेट तक। तो चलो डाइट वगैरह अपना किया जाए, देखते हैं आज क्या होता है। आज वैसे भाग दौड़ अब नहीं करनी पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो है तो भाई बहुत खुशी होती है जब भाई आते हैं ना, जब ऐसे ऐसे देख लो, क्योंकि आने वाले टाइम के ना समझ लो कि हम यूथ हैं और हमारे साथ कोई गलत करता है ना, तो भाई सब लोग साथ मिल के एक दूसरे का ही सपोर्ट बनना होता है। एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं जब ये आगे आते हैं बच्चे। तो देख लो आने वाले टाइम में ये भी हैं कि चलो मान लो कि आज इनका थोड़ा सा जुनून है, जज्बा है, जिम वगैरह जाते हैं, तो आने वाले टाइम कैसा समझ लो कि बॉडी बिल्डिंग में इन्हें ही जाना है आगे, समझ गए। तो बस बहुत खुशी होती है यार कि ऐसे ऐसे भाई साथ में खड़े हैं और काफ़ी मतलब घर तक आ गए भाई, घूमते फिरते घर ढूंढ लिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों का जब मिलने आ जाते हैं। तो ये पानीपत से ही हैं, सब साथ में खड़े हैं और भाई को सपोर्ट करना भाई सारे। ये बात नहीं कि भाई देख लो अपने लिए व्लॉग डालते हैं, अपने को मोटिवेट करते हैं कि कल को ये ना हो, तुम ऐसे ही कहते रहो सपोर्ट करना भाई को। तो जो जो ये कहते हो ना कि पैसे पैसे से बॉडी बनती है, तो कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। स्ट्रगल करना सीख लो जैसे मैं करता हूँ, बस आप लोग जज्बा लाओ, जुनून लाओ, बनेगी यार सबकी बनेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ओए इधर आ, भाग के खड़ा 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 डिप्स लगा लगा पुशअप्स। चल कर कर उठे बैठे। अब पता चल रहा है हेलमेट लगाने का फायदा, बिना हेलमेट का कहीं जाने को कोई फायदा ही नहीं है। अगर सर पे ना लगी होती तो दो चार को तो लपेट ही दिया होता है ना, दो तीन को। तो चलो लंच लंच करने का जुगाड़ करते हैं। आ जाओ भाई, दो चार 10 मूंगफली खा लेते हैं, फिर लेके चलेंगे चिकन घर पे, जाकर लंच करेंगे। और डाइट वगैरह तो बढ़िया चल रही है, जल्दी रिकवरी हो जाएगी, फिर जिम भी चालू करेंगे। तो आ जाओ दोस्तों, करते हैं लंच। ये हो गया 400 ग्राम चिकन और चावल और सब्जी। अभी एक मूवी एंजॉय करते हैं छोटा सा, अभी तो रेस्ट पे चल रहा हूँ। जब तक जिम में वापसी नहीं करता तब तक तो भाई क्या ही करा जा सकता है। तो आ जाओ दोस्तों, खा गए भाई अंडे, चल गए खरोड़े का सूप पी के आते हैं, वही जल्दी रिकवर करेगा इस ट्रांग को, जितना जल्दी ठीक होगा उतना जल्दी जिम में वापसी हो जाएगी मेरी। दोस्तों ऐसा है, बिना हेलमेट आप चलना नहीं है, अगर सर पे ना लगा होता तो आज ये हाल ना होता। तो चलो चल के फटाफट सूप लेके आया जाए। इसका हालत तो ऐसा कर दिया मेरे भाई ने, 15 दिन के अंदर अंदर ऐसा बना दिया जैसे कि कई साल पुरानी हो। कोई नहीं, अब धीरे धीरे इसको चमकाऊंगा, पहले मैं ठीक हो जाता हूँ उसके बाद इसको ठीक करूँगा। तो ऐसे पकड़ के चला रहा हूँ भाई, ये है ना, ये हाथ से फटा हुआ ना, तो ऐसे पूरा पकड़ता हूँ ना तो दर्द होती है, इसलिए इसको ऐसे पकड़ता हूँ। बाकी और दिक्कत नहीं है, चला ले रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें का बैलेंस बढ़िया है ना, इसलिए दिक्कत नहीं आती, बड़ा इजी वे में चल जाता हूँ। चलो एक बार सूप ले के आते, पी के आते हैं वहीं से। भाई एक खरोड़े का सूप लगाइयो गाड़ी भाई, ये बड़ा दूर एक ही भाई बैठता मेरे ख्याल से यहाँ पर, पी के चले फटाफट। बहुत लोगों ने आइडिया दिया था कि बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे तो इसका टेंशन हो रहा है, एक रोड पे खड़ा करके बैठा हूँ, चलान चलान में उसे पापा कर देख। चलो जिम करो, हाथ उठा हाथ उठा, ऐसे बाबा कर दो टाटा, हाथ वही लावे ना, नींद आ रहा, नींद नींद है, टाटा करें। आज दोस्तों निपटाते भाई डिनर, घर में बना हुआ मछली, बट मेरे लिए स्पेशल सब्जी बना है, खुम्बी और मटर की, चलो निपटाते फटाफट। तो बस दोस्तों अब पैर का तो बस जुगाड़ लगा रहा हूँ, कैसे भी करके ठीक हो जाए ना दर्द। अभी हल्दी और चोट सदी मिला के इस पे चढ़ाया हूँ, देखता हूँ अगर आराम हो जाता है, पुराना देसी जुगाड़ है। अब जैसे ही आराम होगा उसके बाद करेंगे ना वापसी जिम जाम ज्वाइन करूँगा, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि चला ही नहीं जा रहा सही से, तो जिम में जाकर वहाँ खड़ा हो क्या करूँगा, वैसे भी खड़ा नहीं रहा जा रहा मेरे से ज़्यादा देर तक। तो जितना जल्दी ये ठीक होगा उतना जल्दी रिकवर करूँगा, और एक बार ठीक हो जाए फिर तरीका पता ही है कि कैसे बॉडी वापस लानी है ना। तो बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखो,
हाँ कोशिश पूरी यही रहेगी मेरा भी, जितने भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं उनको पूरी हेल्प करी जाए। तो बस वीडियो यही समाप्त करते हैं, कैसे लगे लाइक कमेंट शेयर करके बताना, जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।